अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल वाइट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज हम मैजिकल वाइट्स में चाइनीज़ चिकन ब्रेड पैटिस बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो क्यों ना मैं आपके साथ भी इसे शेयर करूँ। तो पहले चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लार्ज साइज़ का एक अनियन लिया जिसको मैंने चॉप कटिंग कर लिया, ज़ीरा और धनिया जिसको मैंने पीस लिया है 1-1 टेबल स्पून, चिली सॉस है जिसको मैंने ब्लेंड किया और ब्लेंड करने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून में इसमें वेनेगर ऐड कर दिया तो ये सॉस बन गया। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून है, कॉर्नफ्लावर हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे मिल्क में ताकि हमारा जो पेस्ट है वो थिकर बन जाए। 1 ग्लास हमने मिल्क लिया है एंड एग्जैक्टली ब्रेड ऑयल। अब जब आपका गर्म हो जाएगा तो आप इसके अंदर जो है जो हमने प्याज जो कटिंग की है बिल्कुल चॉप इसमें ऐड कर देंगे। प्याज सिर्फ पिंक रखनी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। इसको आप सौते करें अच्छी तरह। प्याज हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, जस्ट लाइट लाइट पिंक हो जाए फिर इसके अंदर हम मिल्क ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 1 ग्लास मिल्क लिया है जिसमें मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दूँगी ताकि हमारा जो पुडिंग है वो जो है थिक बने। देखिए हमारी प्याज पिंक हो गई है। अब मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर दूँगी जो मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। अब इसे दोबारा हम वैसे मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा सॉस जो है थिक हो जाए। सॉस हमारा थिक हो रहा है। अब मैंने इसके अंदर जो हाफ के जी मैंने चिकन लिया था जिसको मैंने बॉयल किया और बॉयल हाफ के जी मैंने चिकन लिया जिसको मैंने बॉयल किया और बॉयल करने के बाद मैंने इस तरह से इसके रेशे कर लिए। तो अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर जितने भी हमारे सारे इंग्रेडिएंट हैं वो इसमें ऐड करेंगे। साबुत धनिया और ज़ीरा जिसका मैंने पाउडर बना लिया था ये मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी इसके अंदर। वन टेबल स्पून पेस्ट हमारा जो हमने बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टेबल स्पून। ये बहुत स्पाइस हो जाएगा, हमने ऑलरेडी इसके अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसको मिक्स करेंगे। नमक आपका हस्बी ज़रूरत है। वैसे इसमें हम सोया सॉस 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। मैंने वेनेगर पहले ही ऐड कर दिया था, चिली गार्लिक ये जो मैंने चिली सॉस बनाया था इसी के अंदर मैंने पहले चिलीज़ जो है ब्लेंड की। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून वेनेगर ऐड कर दिया तो ये चिली सॉस बन गया। अब हम इसके अंदर वेनेगर ऐड कर दिया है हमने। अब ये देख रहे हैं आप मेरा सॉस, ये जो पूरी पेस्ट है हमारा ड्राई हो रहा है, इसके सारे कॉर्नर्स से हम साफ कर लेंगे। यहाँ मैंने ब्रेड ले ली है, ब्रेड को आप सर्कल शेप में कटिंग कर लेंगे। तो चलें इसकी सर्कल शेप करते हैं। देख सकते हैं आप मैंने स्लाइस को जो है सर्कल शेप में कर लिया है। अब हमारा पेस्ट ठंडा हो गया है, इस तरह मैंने इसके अंदर ये फिलिंग कर दिए। अब मैं ओके जी सब में हमने इसी स्टेप करना है। फिर उसके बाद हम इसमें एग में हम इसको डिप करेंगे। एग में कोट करने के बाद फिर ब्रेड क्रम्स, फिर अगेन एग में करेंगे, फिर इसके कॉर्नर्स हम करेंगे। एग में कोट करेंगे, देन क्रम्स में, हमने रेडी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलते हैं फिर फ्राई करने के लिए। थोड़ी हम जगह करें ताकि इसके अंदर दूसरा भी आ जाए। मेरे चाइनीज चिकन ब्रेड पैटिस आपके सामने रेडी है, इतने क्रिस्पी बने हैं। लुक एट दैट,
I really hope you like my recipe as well as comment, subscribe my channel. Inshallah, फिर मिलेंगे एक new video में एक new recipe के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.